हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फिलहाल हम भी अच्छे हैं और इस टाइम मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं, तो हम भी नहा धो के रेडी हो गए। तो अभी हम घर पे आए, मतलब मिर्ज़ापुर, क्योंकि 13 तारीख को हम महाराजगंज से आ गए थे। तो आज का प्लान है प्रयागराज घूमने का, क्योंकि इस टाइम प्रयागराज में ना कुंभ का मेला लगा हुआ है, जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी भीड़ भी रहती है। टेंट वगैरह बने होते हैं, जिससे मतलब छोटा सा शहर जैसा बसा होता है। तो अभी तो नहा के रेडी हो गए, बस जैकेट पहनते हैं और निकलते हैं प्रयागराज के लिए। फिर वहाँ घूमते हैं और वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं कि कैसा है और कितना अच्छा बना हुआ है। तो फिर चलिए चलते हैं अभी प्रयागराज। तो फाइनली फ्रेंड, अभी हम रेडी हो गए हैं और बैग आगे इसलिए रखे हैं ना, क्योंकि बाइक चलाते हैं तो ठंडी जो है सीधे चेस्ट पे लगती है, तो इसलिए ठंडी रोकता है। तो अभी जैकेट वैकेट पहन के तैयार हो गए, गाड़ी रेडी हो गया, अभी चलते हैं फिर प्रयागराज, मिलते हैं आपको प्रयागराज संगम। फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं संगम नगरी प्रयागराज में और यहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ है और भीड़ भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी दोपहर का टाइम है और सुबह के टाइम में लोग स्नान वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो ठंडी बहुत ज़्यादा, वैसे पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है ना। तो वहाँ आप देखिए भीड़ लगी हुई है, तो वोटिंग वगैरह भी होती है। तो फिर चलिए चलते हैं हम वहाँ पर और वोटिंग वगैरह करते हैं और आपको संगम के बीच, मतलब यमुना जी के बीच का व्यू दिखाते हैं आपको। फिर चलिए चलते हैं वोटिंग करने। फाइनली अभी हम नाव पे बैठ गए हैं और नाव की सवारी कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं पक्षी जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ आगे बीच में, तो वहाँ से और भी अच्छा व्यू आता है। तो फाइनली अभी हम नाव से आ गए हैं संगम, मतलब बीच में जहाँ लोग स्नान वगैरह करते हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे स्नान कर रहे हैं, बोट यहाँ पे लगती है तो लोग यहाँ पे आते हैं स्नान करने। मतलब संगम होता है ना, यमुना जी का, सरस्वती जी का संगम यहीं बीच में है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। तो फाइनली फ्रेंड्स, नाव पे हमने घूम लिया है और संगम स्नान जहाँ लोग करने जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ तक मैं गया था नाव से और घूम के काफ़ी अच्छा लगा है। तो अभी चलते हैं हनुमान मंदिर चलते हैं, जो लेटे हनुमान जी हैं, जो प्रयागराज में काफ़ी फेमस मंदिर है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, वहाँ दर्शन करते हैं, फिर आपको मेला में झूला वगैरह लगता है तो वहाँ चलते घूमते हैं और वहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। तो चलते हैं अभी बाइक के पास, बाइक लेते हैं फिर चलते हैं हनुमान मंदिर चलते हैं। और वहाँ पर अपनी बाइक खड़ी हुई है, तो चलते हैं बाइक ले कर, फिर चलते हैं हनुमान मंदिर पीछे है, तो फिर चलते हैं वहाँ दर्शन करते हैं। हनुमान जी मंदिर के पास आ गए हैं और सामने देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है और प्रसाद, मतलब फूल माला हमने ले लिया है। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं वीडियो शूट करने देते हैं कि नहीं। अगर वीडियो शूट नहीं करने देंगे तो वीडियो नहीं बनाएंगे, बाकी दर्शन करके फिर बाहर आते हैं। तो फिर चलते हैं जहाँ झूला वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ चलेंगे घूमने। और भीड़ तो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो फिर चलिए चलते हैं अंदर मंदिर में, दर्शन करते हैं और अगर वीडियो बनाने देंगे तो आपको भी दर्शन कराते हैं।
तो फाइनली अभी मंदिर के पास आ गए हैं और आरती वगैरह हो रहा है। अभी आरती हो रहा है, आरती होने के बाद भी दर्शन करेंगे। आप सामने देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए फूल से लिखा है राम, वो गेंदे के फूल से बना हुआ राम जो कि काफी अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये आपका सामने है राम जानकी मंदिर है। चलिए अंदर चलते हैं, मंदिर के अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। मतलब उधर लेटे हनुमान जी के जस्ट बगल में ही है श्री राम जानकी। हनुमान जी के दर्शन हो गए काफी अच्छे से, भीड़ तो थी लेकिन दर्शन हो गया था। तो अभी चलते हैं जहाँ वो झीला वगैरह लगे हैं, तो अभी चलते हैं वहाँ घूमते हैं, तो वहाँ का भी दिखाते हैं आपको। तो फाइनली अभी झूले के पास आ गए हैं, आप सामने देख सकते हैं झूला है। तो अभी चलते हैं आगे से और देखते हैं कौन कौन सा झूला है और फिर झूलते हैं। अगर झूलने का मन किया तो झूलते हैं, नहीं तो फिर भी डर लगता है ना बड़े वाले झूले पे। तो चलिए चलते हैं अभी झूले के पास। फाइनली फ्रेंड्स संगम नगरी प्रयागराज में घूम के काफ़ी अच्छा लगा। तो इस टाइम माघ मेला लगा है और भीड़ भी काफ़ी है, तो नाव पे भी घूमा जो कि काफ़ी अच्छा लगा। हनुमान जी का दर्शन भी हो गया और यहाँ झूला वगैरह था लगा, वो भी झूल लिया हमने, तो झूल के भी काफ़ी अच्छा लगा और घूमा सब कुछ, ओवरऑल सब कुछ अच्छा लगा। तो फाइनली आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग।